बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के बाद के जो टॉपिक्स हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, लेकिन लिमिट की जो है वो इस्तलाह क्यों यूज की जाती है, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बात ऐसी है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, ये आपकी कोई पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, इस तरह से कह लें, आप जो है वो, आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर जो है ना वो आपसे अवे है, 1 किलोमीटर दूर है और आपकी तरफ वो आ रहा है। जब आपकी तरफ वो आ रहा है तो क्लोज, जो जो क्लोज होता जा रहा है वो आपकी तरफ, आप कहेंगे या वो कहेगा कि मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, आपको अप्रोच कर रहा हूँ, या इस तरह से कह लें कि ये एक एक्स पर्सन है और ये कोई वाई पर्सन है। तो वाई एक्स पर्सन जो है वो स्टिल है और वाई पर्सन एक्स पर्सन की तरफ आ रहा है, इस तरह से क्लोज होता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है, मुसलसल क्लोज होता जा रहा है। तो इसको, इस इतलाह को, इस जो इतलाह को हम बोलेंगे अप्रोच करना, क्या करना, अप्रोच करना, ठीक है। जब तक ये, तब तक आपको अप्रोच करता रहेगा जब तक ये बिल्कुल आपके पास पहुंच ना जाए, ठीक है, तब तक ये आपको अप्रोच करता रहेगा। तो इस इस्तेमाल को बोलते हैं अप्रोच करना। जैसे आप किसी के साथ हैंडशेक करें, हैंडशेक करने से पहले अगर आप क्लोज होते जाएं, क्लोज होते जाएं, क्लोज होते जाएं, और बिल्कुल आपका जो हैंड है दूसरे के हैंड के साथ टच ना हो जाए, उस वक्त तक जो सिचुएशन होगी, जो इस्तेमाल इस्तेमाल होगी, उसे हम अप्रोच करना कहेंगे। तो लिमिट की जो है ना वो यही है कि वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट यही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ही बात करते हैं इस अप्रोच करने को, आपने जहन में रखना है कि अप्रोच करने की जो टर्म है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो की। कोई नंबर, कोई वेरिएबल एक्स है, अगर ये अप्रोच करेगा किसको, एक्स को, जीरो को, हम रियल लाइन बनाते हैं और रियल लाइन से मजीद जो हम अप्रोच करने के जो टर्म है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा रियल नंबर जीरो, जो कि मिड में होता है रियल लाइन पे। तो जो रियल लाइन है उसमें अगर आप देखें तो जीरो को अप्रोच करना जो है वो टू साइड से अप्रोच किया जा सकता है। द सिंबल, ये जो हमारा सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं अप्रोच करने का सिंबल, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये कह रहा है यहाँ पे कि इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू जीरो। मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि अगर एक पोजीशन, एक जो है वो एक्स है पर्सन और दूसरा पर्सन वाई है, और जब तक वाई जो है वो अप्रोच कर रहा है एक्स को, उस वक्त तक जब ये बिल्कुल आपस में मिल नहीं जाते, जब ये इनकी पोजीशन सेम नहीं हो जाती, तब तक ये एक दूसरे को, अगर वाई इस तरफ आ रहा है तो ये अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच करना और बिल्कुल पोजीशन सेम हो जाना या इक्वल हो जाना, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे हम दो साइड से अप्रोच कर सकता है, एक्स यहाँ से इस तरफ से अप्रोच कर सकता है और या फिर इस तरफ से अप्रोच कर सकता है। तो ये राइट साइड है रियल लाइन की और ये लेफ्ट साइड है रियल लाइन की। ये मजीद आगे जाके बात होगी, अभी सिर्फ हम सिर्फ अप्रोच करने की टर्म पे बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन
एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो, एक्स जो है वो जीरो के बहुत क्लोज है बट नॉट एक्चुअली जीरो। अब दूसरा पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स दैट एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। ये बात उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स जो है वो जीरो पे पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम कहें कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो वो कहीं पे करीब तरीन यहीं पे यहाँ कहीं पे पड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। तो ये थी इस्तलाह एक्स अप्रोचेस टू जीरो की। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और टर्म एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। x approaches to infinity, infinity के बारे में आप जानते हैं, infinity क्या होता है? अगर ये हमारे पास कोई सी रियल लाइन है तो रियल लाइन का कोई सा नंबर आप सोच लें, इस तरफ बड़े से बड़ा नंबर अगर आप सोच लें तो हमारे पास उस नंबर से भी बड़ा कोई ना कोई नंबर जरूर मौजूद होगा। तो इसी टर्म को बोलते हैं इन्फिनिटी, के नंबर जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। अब ये भी आप देख लें कि इस साइड पे रियल लाइन की साइड पे जो एरो होगी उसे हम प्लस इन्फिनिटी और इस साइड वाली साइड को बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इस तरफ माइनस वाले नंबर्स पड़े होंगे। जब यहाँ पे कहा जाएगा एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो माइनस हो सकती है या फिर प्लस, दोनों में से कोई भी हो सकती है। पहले हम कह रहे थे कि x अप्रोचेस टू जीरो, x किसी नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है और x बिल्कुल जीरो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि x जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को, उसका मतलब ये है कि x बड़े से बड़ा नंबर आता जाए। इससे ये जो है ना ये जो टर्म है इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और आप मजीद अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल है इन्फिनिटी को जो है ना वो समझने के लिए और साथ ही लिमिट को समझने के लिए भी, लिमिट को समझने के लिए भी यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है। देखें मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू वन ओवर x, अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है और x क्या है यहाँ पे, x एंड y दोनों कोई ना कोई नंबर्स हैं, हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं y के आंसर्स आते जाते हैं। x की वैल्यूज हम अगर बड़ी से बड़ी पुट करते जाएं, क्या करें, x की वैल्यूज बड़ी से बड़ी पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से पुट करते जाएं, तो आपके ख्याल में y जो है वो किस तरफ जाएगा? y जो है वो देखते हैं किस तरफ y के आंसर्स क्या आते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। मैं यहां पे x की वैल्यू दूंगा और यहां पे y के आंसर्स आएंगे। x की वैल्यू को अगर मैं लूं 1, x मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 ओवर 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 2 लूंगा तो ये आ जाएगा y आ जाएगा 0.5 या 1 ओवर 2, x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0.3। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं x की वैल्यू 10 लूंगा, 10 से इसका आंसर आएगा 0.1, 1 ओवर 10 आंसर क्या आता है 0.1। चेक करते जाएं, मैं अब मजीद इस तरह से वैल्यूज बढ़ाता जाऊंगा और 100 तक पहुंच जाएंगे जब वैल्यूज, तो 100 पे इसका आंसर आएगा 0.01। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप कैलकुलेटर से करते जाएं। इस तरह से मुसलसल चलता हुआ मैं अगर 1000 पुट कर दूं, 1000 का मतलब 0.001, क्लियर। देखें आप यहाँ पे ना साथ साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, गौर करें कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर्स देखें कितनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसको इससे 10 टाइम्स भी स्पीड से कर देंगे तब भी ये देखें 1 से लेके अभी 0.01 तक पहुंचा नंबर, और
और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस अप्रोच करने को, इस बड़े से बड़े नंबर्स आने को हम बोलते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम 10,000 पुट किया, उसके बाद 1 लाख पुट कर लें, 10 लाख पुट कर लें, 1 करोड़, कुछ भी कोई भी डिजिट पुट कर लें, मतलब क्या हुआ कि लिमिट अगर हम पुट कर लें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये देखिए एक्स की वैल्यू है ना, ये इन्फिनिटी पुट कर लें अगर, तो 1/x का आंसर क्या आएगा? 1/x का आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, यहाँ से एक और लिमिट जो है वो लिमिट का कंसेप्ट, यहाँ से एक और जो है एस्पेक्ट नजर आएगा, आपको समझ आएगी कि हम इन्फिनिटी इवन पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि इसका जब हम यहाँ पे अगर मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो लिमिट जो है वो इसका आंसर ये जीरो को अप्रोच करेगी, तो यही वाई या एफ ऑफ एक्स की लिमिट है। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आएगी एल, इसे जीरो और इसे हम कह सकते हैं एल, ठीक है। तो ये देखें, ये मजीद नंबर्स जीरो की तरफ अप्रोच होते जाएंगे, कभी जीरो नहीं होंगे, कभी जीरो नहीं होंगे। तो इस लिमिट को, इस जो है वो पूरे जो जो है ना वो जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे x को x के बड़े से बड़े नंबर आते जाने को बोलते हैं x approaches to infinity। अब आपको पता है x कभी infinity हो नहीं सकता, infinity क्योंकि कोई नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी तो एक ये वाली साइड है, ये वाली रियल लाइन की साइड है, ये नंबर्स बड़े से बड़े आते जा आ रहे हैं, ठीक है। तो यही इस्तलाह है, यही टर्म है x approaches to infinity की। नेक्स्ट है x approaches to some number a। वैसे हम ये बात स्टडी भी कर चुके हैं x approaches zero से, वहां पे भी यही बात होगी। मजीद इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, अगर इसको आपने अंडरस्टैंड जो है ना करना है तो इसको, इसकी एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर लें, आप इस तरह से रख लें इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है हमारे पास और ये कोई नंबर है, तो 5 कह रहे हैं इसको। अगर x अप्रोच कर रहा है 5 को, x क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है 5 को, जिस तरह से 0 को अप्रोच कर रहा था, 0 कभी नहीं था, वैसे ही यहाँ पे भी x अप्रोच कर रहा है 5 को, लेकिन x 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। यही है x अप्रोचेस a का, a यहाँ पे कोई भी जो है रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर x अप्रोच करेगा a को या 5 को, तो y का कोई ना कोई आंसर आएगा, y का कोई ना कोई आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास y जो है वो 10 आ गया, y क्या आ गया 10। तो as x approaches to 5 जो है वो f of x approach करेगा इसको 10 को, तो ये ही इस फंक्शन की लिमिट होगी अगर हम फाइव पे लिमिट फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ लें, अभी आपको जरूर समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी हमने तमहीद बांधी है ना, कुछ चीजें जो पढ़ी हैं वही चीजें आगे भी आना आ रही हैं। देखें कह रहा है लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल पे। देखें ये इस तरह से इसको कह लें, चले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ शेप में यहाँ पर। शायद ये नहीं होना आपने चेंज, कोई मसला नहीं। जी ये हमारे पास है एक प्लेन, इस प्लेन में हम इस
बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि एक्स जो है वो किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। ओपन इंटरवल के बारे में आप जानते हैं, इंटरवल होता है इस रियल लाइन का कोई सा सेगमेंट, कोई सा पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई यहां से जीरो से लेके ना, जीरो से लेके यहां तक। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल इस तरह से है, मतलब अगर हम जीरो से लेके 10 तक नंबर्स कर रहे हैं तो 0 और 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसे ओपन इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है। या माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी भी कह सकते हैं, इसमें इनफिनिटी और ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसको इस सिंबल स्मॉल ब्रैकेट से भी शो करते हैं या फिर इससे भी शो कर ले, एक ही बात है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। ओपन इंटरवल क्या है? यहाँ 0 से बड़े नंबर्स और 10 से छोटे नंबर्स पे डिफाइंड है। नियर द नंबर ए, नंबर ए के करीब, ठीक है। नीड नॉट एट ए, जरूरी नहीं है कि वो ए पे भी डिफाइंड हो, ठीक है। दोबारा सुन ले, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, नियर द नंबर ए, नीड नॉट एट ए। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 पे हम लिमिट की बात कर लें, ठीक है, 0 पे फंक्शन डिफाइंड तो नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है और 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कहता है इफ एज एक्स अप्रोचेस ए, अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कह लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे अप्रोच कर लें 0 को, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, लेफ्ट और राइट साइड से जो है वो अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, अगर यहाँ पे कोई नंबर ले लें बीच में से कोई, ठीक है, एक्स जो है वो इफ एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर जो है वो लिमिट आप फाइंड आउट करें, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर, जो ये है ना, ये इसे हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, एल को, इसे हम कह लेते हैं एल, ठीक है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए। अगर हम यहाँ पे लिमिट फाइंड करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स पे, तो एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन जो इसका आंसर आ रहा है वो कोई एल हो, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो नोटेशन होगी, किस क्या होगी, ये लिमिट की डेफिनेशन होगी उस फंक्शन एफ की, जो लिमिट है एट एक्स अप्रोचेस टू 0 वो हमारे पास एल होगी, ठीक है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये है लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम, हमारे पास है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, लेकिन थ्योरम्स ऑन लिमिट्स जो है उसको करने से पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स जो है वो हम यूज करेंगे एग्जांपल्स में भी, लेकिन हम यहाँ पे पहले एक एग्जांपल करते हैं और फिर लिमिट्स कि जो है ना वो थ्योरम्स पढ़ते हैं। थ्योरम्स हम सरसरी से इनको स्टडी करेंगे, ये यूज होंगे हमारे पास। देखिए हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ठीक, एक्स अप्रोच कर रहा है हमारे पास 3 को, ठीक है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। अगर इस पे लिमिट अप्लाई की जाए तो हमें पता है कि जब एक्स अप्रोच करेगा 3 को तो इसका आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो 9 को अप्रोच करेगा, क्योंकि तो इसमें 3 पुट करने से हमारा आंसर 9 आता है। मतलब यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, तो 3 पुट करते जाएं, 3 के करीब जब ये फंक्शन होता जाएगा तो इसका आंसर कोई 9 आता जाएगा, ठीक है, क्या आंसर आता जाएगा? 9। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन लिमिट हमारे पास आएगी एट एक्स अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब आपने ये भी देखना है कि कब 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 हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कब कब लिमिट डायरेक्ट पुट
नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई हमारी एक एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट करते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। सबसे पहले हम सपोज कर रहे हैं कि एफ और जी कोई से दो फंक्शंस हैं हमारे पास, फॉर विच एक एफ ऑफ एक्स जो है वो उसकी लिमिट एट पॉइंट ए जो है वो एल है और जी की लिमिट एट पॉइंट ए जो है वो एम है। बात समझ आ गई है? जी की जो लिमिट है एट पॉइंट ए, ठीक है, वो एम है और जो एफ की लिमिट है एट पॉइंट ए वो हमारे पास एल है। ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों की लिमिट्स एट द सेम पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, देन कहता है ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। देन फर्स्ट थ्योरम, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। सबसे पहली बात वो कर रहा है कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट करें, दो फंक्शंस का सम है तो उसकी अगर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है तो उसकी लिमिट हमारे पास जो आंसर आएगा वो सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस के इक्वल होगा। दोबारा सुन लें, सम ऑफ फंक्शंस की लिमिट अगर किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करें तो वो इक्वल होगी सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस एट दोस पॉइंट एट देयर पॉइंट ए पे डिफरेंट अगर हम करें तो उन पे जो लिमिट्स उनके अलग अलग सेपरेट फाइंड आउट करने के बाद उनको अगर हम ऐड कर लें तो वो इसके बराबर होगी। ये थ्योरम है, ये जस्ट इनका प्रूफ नहीं है, इनका सिर्फ आपने जो है वो माइंड में रखना है, हमें क्वेश्चंस करने के लिए ये जो है वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है इसी तरह से डिफरेंस का होगा, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट का किया है उस तरह से डिफरेंस का होगा। ठीक है, कि लिमिट ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ देयर लिमिट्स। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी लिमिट फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल होगी लिमिट ऑफ ऑफ एफ एट ए एंड लिमिट ऑफ जी एट ए के डिफरेंस के, इस तरह से। ठीक है, तो आइंदा से आपने याद रखना है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनकी लिमिट है तो हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, बेशक हमें अलग अलग लिमिट अप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़े। नंबर थ्री, अगर k हमारे पास कोई सा रियल नंबर है, क्या है k कोई सा रियल नंबर है, देन k कोई रियल नंबर है, k जो है ना जिस तरह से कह रहे हैं स्केलर है और f of x कोई वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ अगर k मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका लिमिट फाइंड आउट करनी है एट x प्रोसेस टू a या एट x इक्वल टू a, तो k वो इक्वल होगी k मल्टीप्लाई बाय लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। मल्टीप्लाई मतलब पहले लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे उसको k से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है थ्योरम नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं थ्योरम नंबर 5। सॉरी, अब थ्योरम नंबर 4 आ रहा है। इसमें अब आएगी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी वैसे ही होगी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी लिमिट फाइंड आउट करना है तो वो इक्वल होगी अगर हम उनकी लिमिट्स सेपरेटली एफ और जी की फाइंड आउट कर लें, बाद में हम उनको मल्टीप्लाई कर लें, मतलब एल और एम क्योंकि हमारे पास लिमिट्स हैं तो एल और एम को मल्टीप्लाई कर लें तो वो इसके बराबर होगी। तो ये है थ्योरम नंबर 4। इसके बाद थ्योरम नंबर है 5। थ्योरम नंबर फाइव में क्या है, थ्योरम नंबर 5 में हमने क्या करना है, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन, अब डिवाइड हो रहे हैं फंक्शन यहाँ पे ना, उनकी लिमिट क्या होगी, किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स। मतलब लिमिट्स फाइंड आउट करके फंक्शन की सेपरेटली तो उनको डिवाइड कर दें इस तरह से, या फिर फंक्शन को डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर दें, बात एक ही है। ये है थ्योरम नंबर 5। अब थ्योरम नंबर 6 है।
अगर किसी जो है वो फंक्शन का वो ऑल की पावर है, जिस तरह से मैंने एफ की पावर 2 की थी, ठीक है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन वो किसके इक्वल होगी, वो इस तरह से आंसर आएगा इसका, लिमिट एक्स अप्रोच टू दी ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन बराबर होगी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन के, और हमें पता है इसकी लिमिट क्या है, एल एल की पावर एन के इक्वल हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये है लिमिट ऑफ फंक्शन रेज टू पावर एन या होल की पावर अगर एन है, वेयर एन इज एन इंटीजर, ये तो आप याद रख ही सकते हैं। तो ये है 6 थ्योरम्स क्या हमें लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान सा तरीकाकार है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अभी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपके सामने, तो आप इसको देख लीजिए कि लिमिट किस तरह से अप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई, चलिए एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। करना क्या है, इवैल्यूएट करना है हर लिमिट को बाय यूजिंग थ्योरम्स, क्या यूज करके, थ्योरम्स का यूज करके। तो चलिए लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, सेकंड मैं कर रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, l के बराबर, एल के बराबर इसको लेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि इसका इसकी लिमिट कोई नंबर आनी है तो ये हमारे पास एल नंबर है, हमने कह दिया। अब ये लिमिट है तो इस फंक्शन पे लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का जो मेथडोलॉजी है वो हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में ना इसको डिटेल से करना है, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला थ्योरम यूज हो रहा है, उसने क्या कहा था कि अगर हमारे पास फंक्शंस क्या है ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स जो है वो हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे। देख लिया हमने लिमिट्स सेपरेटली अप्लाई कर दी इन पे। अब ये 3 कोई कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी हमारी एक्स इक्वल्स टू 1 ऑफ एक्स स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स आ जाएगी। अब ये है आई कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट इस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है। अब 3 है, ये एक और लिमिट थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, देख लें एक्स अप्रोचेस टू 1 यहां पे एक्स आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा -2 * यहां पे 1 पुट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दी, यहां पे एक्स अप्रोचेस टू 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा -2 * 1 2 + 4, ये हमारे पास आ गया 3 -2 प्लस 4, 4 और 3 7 -2 5, तो l इक्वल हमारे पास आ गया 5 के। बाद समझ आ गई होगी, तो ये थी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। इस तरह से पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, जिस तरह से ये पार्ट पावर जो है वो होल की पावर मैंने इस पावर को बनाया होल की पावर, वैसे ही स्क्वायर रूट जो है इस तरह से लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट जो है वो अंदर अप्लाई हो जाएगी, होल की पावर ऐसे ही रहेगा। अब अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है, थर्ड पार्ट आपने करना है खुद। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहले 3 पार्ट्स हो गए, कल मैं अगले 3 पार्ट्स और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करूंगा।